हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे पास में सैमसंग का मोबाइल है, ये 1200 वाई है। देखिए, ये 1200 वाई है। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, बैटरी से ऑन नहीं होता है दोस्तों। चार्ज लगाते हैं तब ऑन होता है दोस्तों। तो इसी के बारे में काम करेंगे और आप लोग को बताएंगे दोस्तों, कहाँ से क्या प्रॉब्लम है बताएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले हमारे दोस्त जो नए दोस्त देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चेक करते हैं वही बैटरी से दूसरी मोबाइल में, ताकि आप लोग को यकीन हो जाए बैटरी डाउन है या चार्ज है। देखिए, उसी बैटरी से दूसरी मोबाइल ऑन हुआ दोस्तों। देखिए, देख लीजिए कितना चार्ज है, वही पता चल जाएगा आप लोग। देखिए दोस्त, बैटरी चार्ज है। इसमें देखते हैं फिर एक बार, दिखाएंगे। ऐसे तो ऑन नहीं होता है, चार्ज लगा के दिखा रहे हैं, चार्ज लगा के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्त, चार्जिंग ले रहा है दोस्त। देखिए, अभी ऑन हो जाएगा। देखिए, ये पावर बटन भी काम कर रहा है दोस्तों। पहले प्रॉब्लम समझिए, उसके बाद में काम करेंगे, कुछ बताएंगे आप लोगों को कहाँ से क्या फॉल्ट होगा दोस्तों। देखिए, निकाल देते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक मोबाइल ऑफ होने लगा दोस्तों। ऑफ हो जाएगा। देखिए दोस्त, हो गया दोस्तों। चलिए, इसको मोबाइल को ओपन करते हैं दोस्तों और बताते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो को, फुल वॉच कीजिए, फुल देखिए वीडियो दोस्तों, ताकि तभी समझ में आएगा कहाँ से क्या फॉल्ट है। बताते हैं, बहुत सा वीडियो है हमारे चैनल में। तो देखिए दोस्तों, किसी मोबाइल टेक्नीशियन ने काम किया है लगता है। देखिए, दिख रहा है तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद में इसको काम करेंगे दोस्तों। देखिए, क्योंकि कभी ड्राई शर्ट होने कारण से भी ऐसा होता है, शॉर्ट टूट कहीं हो जाएगा तो ऐसा होता है। सबसे पहले मोबाइल को चेक कर लेते हैं दोस्तों, रीडिंग कितना बता रहा है दोस्तों। देखिए, ठीक है दोस्तों, रीडिंग ठीक है। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं आप लोग को, इसका रीडिंग यहाँ आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए इन दोनों में। उसके बाद वहाँ से यहाँ चेक करना है चार्जिंग ऐसी के सामने। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आप लोग को कहाँ से कहाँ रीडिंग आना चाहिए और कहाँ तक पहुँचना चाहिए दोस्तों। आप लोग देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा तो आप लोग को भी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ रीडिंग आ रहा है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ देखिए, एक रजिस्टर लगा रहता है वहाँ, और यहाँ देखिए, तो रजिस्टर इसका ख़राब हो गया होगा, क्योंकि ब्रश करते ही इसको साफ क्लीन करते ही आप ऑटोमेटिक गिर गया दोस्तों इसको। रजिस्टर यहाँ टूट गया, जल गया होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपस में जम्फर कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे,
तो चलिए दोस्तों करते हैं जंपर वायर की मदद से जंपर कर देंगे दोस्तों। शॉर्ट कर दिए वहाँ पर, रजिस्टर को आपस में शॉर्ट कर दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ब्लेड से काट दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से भी जंपर यहाँ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सामने ही कर दिए, छोटा जंपर से काम हो जाएगा, तो बड़ा जंपर लगाने से क्या जरूरत पड़ता है। देखिए दोस्तों मोबाइल को फिट कर लिए, सिम भी लगा रहे हैं दोस्तों, और बैटरी को इन करेंगे दोस्तों, नट बाद में लगाएंगे, स्क्रू बाद में लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगा ना दोस्तों। मोबाइल ऑन कर रहे हैं, देखिए दोस्तों ऑन हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अच्छा अगर वीडियो लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्रतिदिन मिलेगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखिए बैटरी चार्ज है, हम पहले ही बताए थे बैटरी चार्ज है दोस्तों, एक बार चार्जर लगा कर भी दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्त चार्ज भी लेने लगा दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग भी सेटअप बाय सेटअप काम कीजिए दोस्तों, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।